अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांध सुरक्षा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जयपुर में आयोजित की गई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तकनीकी सत्रों के विषय और निष्कर्ष पर विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यशाला में मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है इस कार्यक्रम में। बांध सुरक्षा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किया गया। सीधी तस्वीरें, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकनीकी सत्रों के विषय और निष्कर्ष पर विशेषज्ञों से बातचीत हुई है। इंडिया विद एनहांस्ड पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक कैन एक्ट एज ए मॉडल इन द डैम सेफ्टी एंड वाटर स्टोरेज एजेंडा फॉर अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली द साउथ ब्लॉक कंट्रीज। व्हाइल सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज, वाटर सेक्टर शुड बी गिवन इट्स ड्यू प्रायोरिटीज बाय द कंट्रीज। An international knowledge exchange program by creation of global large dam alliance in dam safety, maybe not in the immediate future, but in maybe the coming future we may think about that. Now I'll go by one the technical sessions we had. This was the technical session one, which was international and national practices in dam safety management and governance, which happened yesterday. The takeaways were: strong governance structures are key to implementation and supervision of activities under dam safety. Risk-based dam safety management is an internationally accepted approach which assists in prioritization of critical dams for dam asset management. Risk control options in terms of risk prevention and risk mitigation measures shall start from planning and design state of the dams and shall continue through their operation and maintenance phases. Minimization of hazard potential of a dam should be a continuous exercise by उसके बारे में जो मुझे पैदा हुई डैम सेफ्टी एक्ट के बनने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के समय में विभिन्न राज्यों के साथ में बात करते हुए उसके इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और स्टेप्स इन सब पे चर्चा करते हुए जब जो कुछ मैं समझ पाया और पिछले 4.5 साल के कालखंड में दुनिया के अन्य देशों के प्रवास के समय में वहाँ की बांधों की सुरक्षा की स्थिति, डैम कंस्ट्रक्शन में लेकर के को लेकर के वहाँ किस तरह के प्रोटोकॉल्स एंड प्रोविजंस हैं उनके बारे में जो चर्चाएं चली, तब मुझे कुछ लगा कि ये विषय निश्चित रूप से प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। पिछले 2 दिन में बांधों की सुरक्षा के जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट्स पर जिस तरह से हमने हॉलिस्टिकली बातचीत की है, इसकी महत्ता को प्रतिपादित करने के साथ साथ में इस विषय से जुड़े हुए सारे इसके अंग उपांग जितने भी हैं उन सब के ऊपर जिस तरह से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अपनी बातचीत रखी है, निश्चित रूप से मुझे लगभग 30 साल से ज़्यादा का सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में मैं अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस से लेकर के विभिन्न विषयों पर रखी गई ऐसी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मुझे मौका मिला है। कॉन्फ्रेंस के समारोह के सत्र में जो उपस्थिति अगर इतनी है तो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण होता है उनका इफ द वैलिडेटरी सेरेमनी में इतने सारे लोग उसमें पार्टिसिपेंट अगर उसमें हों तो शायद सबके लिए टेक अवे कुछ ना कुछ है और सबने उसमें इंटरेस्ट के साथ में हिस्सा लिया, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। सुरक्षा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमने बात की, उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की, डैम्स के डायग्नोस्टिक्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर के जब हम करते हैं और उसको लेकर के जो हमारे सामने विषय आते हैं। जब मैं कल देख रहा था इनॉग्रल सेशन के समय में जब बातचीत हो रही थी और पहले प्लेनरी सेशन में जब जो पेपर मेरे सामने प्रस्तुत किए गए उनमें जिस तरह की चर्चा हुई, जो बांधों की सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसमें से बहुत सारी चुनौतियां कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो न्यूनताएं रह जाती हैं, जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं उसके चलते हुए होती हैं। इन सब एस्पेक्ट्स पे बात करने के बाद में, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रहने वाले गैप्स जो हैं, जो न्यूनताएं हैं,
इस कॉन्फ्रेंस के टेक अवे के रूप में इसके ऊपर हमको एक पूरा डिटेल्ड पेपर बनाने की जरूरत है। और हम जहां डैम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो डैम डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल CWC और उसके अलावा स्टेट्स में जो एजेंसीज हैं जो काम कर रहे हैं और स्पेशली एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स जहाँ डैम्स डिजाइनिंग पर डिजाइन पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली फेलियर्स के कारणों को लेकर के और जो हमने डैम डायग्नोस्टिक्स किया है उनकी हेल्थ की डायग्नोस्टिक स्टडीज की उनको लेकर के जो हमारे अभी जो हमने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया उन दोनों को कोर्स करिकुलम में और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लान हमको करना चाहिए। डैम फेलियर्स के बारे में भी हमने चर्चा की उसको लेकर के भी डिटेल में और ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उन परिस्थितियों में इस तरह के इंसिडेंट्स के बहुत ज़्यादा